हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्मोकी एक्सप्लेन। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सिक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 1 की 6 मूवी एवेंजर के बारे में बात करेंगे, जिसको 2012 में रिलीज किया गया था। ये मूवी मार्वल की पहली मूवी है जहाँ पर अलग अलग सुपर हीरो को एक साथ ही दिखाया गया है, जिन सबकी अलग अलग मूवी है और उनको हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। आपको ये मूवी अच्छी तरह से समझनी है तो इसके लिए पहले की मूवी भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो गाइस, बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में टेसरेट क्यूब को दिखाया जाता है, जहां थेनोस का एक साथी द अदर टेसरेट क्यूब को हासिल करने के लिए लोकी के साथ अर्थ पर हमला करने के लिए बोलता है, जिसमें लोकी टेसरेट क्यूब को लेने के बाद अर्थ पर राज करेगा और थेनोस पूरे यूनिवर्स पर। लोकी को अर्थ पर काबू करने के लिए द अदर्स लोकी को एक सेप्टर नाम की एक जादुई छड़ी देता है, जिससे लोकी एक पोर्टल खोल सकता है, जिसकी मदद से द अदर की चित्तोरी आर्मी अर्थ पर आकर लोकी को अर्थ पर राज करने में मदद करेगी। सीन के साथ अर्थ पर शील्ड के हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर सेल्विक निक फ्यूरी के दिए हुए टेसरेट के ऊपर काम करते हैं, जिसे हमें थोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। निक फ्यूरी हेडक्वार्टर्स में आता है। एजेंट कोल्सन निक फ्यूरी को बताता है कि डॉक्टर सेल्विक जिस टेसरेट के ऊपर काम कर रहे हैं वो अपने आप चालू हो गया है और रेडिएशन छोड़ रहा है। निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक के पास जाता है, जहाँ उसको भी पता नहीं होता है कि टेसरेट क्यूब ऐसा क्यों कर रहा है। निक फ्यूरी एजेंट बार्टन होकाई से बात करता है। एजेंट बार्टन बताता है कि ये क्यूब दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने का काम भी करता है। तभी यहाँ वापस टेसरेट क्यूब में रेडिएशन बढ़ जाता है और उसमें से एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलता है, जिससे वहाँ रेडिएशन का एक ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ यहाँ अब लोकी अपनी जादुई छड़ी सेप्टर को लेकर आ जाता है और शील्ड पर हमला करता है। लोकी सेप्टर की मदद से बार्टन और दूसरे शील्ड के एजेंट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। निक फ्यूरी टेसरेट क्यूब को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लोकी अपने बारे में बताता है कि वो है एसगार्ड की शान लोकी और हमारे ऊपर बेहद नेक इरादे का बोझ है। डॉक्टर सेल्विक लोकी को देखता है और बोलता है, लोकी थोर का भाई। लोकी डॉक्टर सेल्विक को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और निक फ्यूरी पर अटैक करके टेसरेट क्यूब को लेकर भागता है। यहां टेसरेट क्यूब के रेडिएशन से पूरा हेडक्वार्टर तबाह होने लगता है। निक फ्यूरी उस हेडक्वार्टर से निकलकर भागता है, पूरा हेडक्वार्टर टूट जाता है। निक फ्यूरी हेलीकॉप्टर से लोकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके टेसरेट क्यूब लेकर वहां से भाग जाता है। निक फ्यूरी एजेंट कोल्सन से बात करता है और बोलता है कि ये लेवल 7 है और अब जंग छिड़ चुकी है। सीन के साथ यहां पर नताशा रोमानोफ ब्लैक वीडियो को दिखाते हैं, जिसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उससे इंक्वायरी करते हैं। उनमें से एक के पास कॉल आता है जो एजेंट कोल्सन का रहता है। एजेंट कोल्सन नताशा से बात करता है और उसे इस मिशन को रोकने की बोलकर उसे वापस आने के लिए बोलता है। नताशा वहां पर एक बार में सबको मार गिराती है और एजेंट कोल्सन से बात करती है। एजेंट कोल्सन बोलता है कि स्टार्क को मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम उस सन की पहाड़ को ले आओ। यहाँ इनडायरेक्टली हल्क की बात होती है। सीन में कोलकाता में डॉक्टर ब्रूस बैनर को दिखाते हैं, जो सबसे छुपकर वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बनकर रहता है और गरीबों की मदद करता है। नताशा चालाकी से ब्रूस बैनर को शहर के बाहर ले आती है और उससे बात करती है। नताशा बोलती है कि निक फ्यूरी को उसकी ज़रूरत है। टेसरेट क्यूब चोरी हो गया है जो पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर सकता है। उसमें से बहुत ही हल्की गामा रेस निकलती है, जिसको बस तुम ही समझ सकते हो और उसका पता लगा सकते हो। नताशा बोलती है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ब्रूस बैनर जोर से नताशा पर चिल्लाता है, जिससे नताशा डर जाती है, क्योंकि ब्रूस की हार्ट बीट बढ़ने से ब्रूस हल्क बन जाता है। ब्रूस वहां पर चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी शील्ड के ऑफिसर से बात करता है और बोलता है कि अब जंग का टाइम हो गया है, हमें एवेंजर इनिशिएटिव प्रोग्राम को वापस शुरू करना होगा, वो लोग इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ सीन में कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स को दिखाया जाता है, जो अपने पंचिक पेड़ को मार रहा होता है और उसके साथ अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ उसके सामने रेड स्कल टेसरेट की वजह से गायब हुआ था। स्टीव के पास निक फ्यूरी आता है और बोलता है कि उसे कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है, क्योंकि अब जंग का समय आ गया है। निक फ्यूरी स्टीव से टेसरेट के बारे में पूछता है, तब स्टीव बताता है कि उसको समुद्र में से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। सीन के साथ अब टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो स्टार्क इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ा देता है। टोनी अपनी खुद की एक स्टार्क नाम की एक बिल्डिंग बनाता है, साथ में टोनी अपने सूट को भी अपग्रेड कर लेता है। निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क उसका कोई जवाब नहीं देता है। तब वहां पर एजेंट कोल्सन आ जाता है और टोनी को लोकी और टेसरेट से जुड़ी हुई जानकारी देता है। टोनी बोलता है, उसको एवेंजर के प्रोग्राम से निकाल दिया गया था, फिर क्या हुआ, मेरे पास क्यों आ गए। दूसरी तरफ स्टीव रोजर बैनर को वीडियो को देखता है, जहां उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम के कारण चेंजेस हुए थे। एजेंट कोल्सन बताता है कि आप ही सबसे पहले सुपर सोल्जर हैं, उसके बाद बैनर ने ये एक्सपेरिमेंट खुद पर किया, जिससे वो हरा दानव बन गया, लेकिन वो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है। एजेंट कोल्सन स्टीव रोजर्स को एक शिप पर ले आता है, जहां वो एजेंट नताशा और ब्रूस बैनर से मिलता है।
तभी यहाँ देखते देखते वो शिप एक हेलीकॉप्टर में चेंज रहता है और शील उसको आसमान में उड़ा ले जाती है और उसको गायब कर देती है। ये सब देखकर स्टीव रॉजर्स निक फ्यूरी के हाथ में एक नोट पकड़ा देता है जो बड़ा ही फनी सीन रहता है। ब्रूस बैनर अब टेसरेट क्यूब को ढूंढने में लग जाता है जहाँ से वो उसकी रेडिएशन से क्यूब को ढूंढ सके। सीन में लोकी के ठिकाने पर दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर सेल्विक वैसे ही मशीन को तैयार कर लेता है जिससे टेसरेट क्यूब की पावर को कंट्रोल किया जा सके। लोकी अपनी छड़ी से द अदर्स से बात करता है जहाँ द अदर्स बोलते हैं कि उसकी चितोरी आर्मी तैयार है हमला करने के लिए। लोकी बोलता है कि अभी रुको, जब तक मैं टेसरेट क्यूब से चितोरी आर्मी को आने का दरवाजा खोल ना दूं, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं अपने किए हुए वादे पर टिके रहना होगा। सारी चितोरी आर्मी को मेरे कहने पर चलना होगा। यहाँ डॉक्टर सेल्विक क्लिंट बार्टन से बात करता है और बोलता है कि उसे इस मशीन को चालू करने के लिए एक इरिडियम मेटल की जरूरत होगी जो सिर्फ मेटोरॉइड पर ही मिलता है, जिसके बारे में क्लिंट बार्टन डॉक्टर सेल्विक को बोलता है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है। और अब लोकी इरिडियम मेटल को ढूंढने के लिए एक प्लान तैयार करता है। यही सीन में हेलीकॉप्टर में दिखाते हैं जहाँ शेल को लोकी जैसा कोई दिखता है जिसको रोकने के लिए अब स्टीव रॉजर्स जाता है। लोकी उस जगह पर आकर शेल का ध्यान भटकाता है ताकि क्लिंट बार्टन को वो इरिडियम मेटल मिल सके। लोकी वहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी पावर से सब आम लोगों को डराता है और बोलता है कि उसके सामने घुटने टेके। सब लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लोकी सबसे बोलता है कि तुम बस गुलामी के लिए ही बने हो, ऐसे सर झुकाने के लिए ही। तब उसमें से एक ओल्ड मैन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। लोकी उस ओल्ड मैन पर स्टिक से हमला करता है जिसको कैप्टन अमेरिका आकर अपने शील्ड से बचा लेता है। कैप्टन अमेरिका अब लोकी से लड़ता है और उसको मारता है, लेकिन इससे लोकी का कुछ नहीं होता है। तब यहाँ शील्ड की मदद करने के लिए आयरन मैन आ जाता है और अब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों लोकी के हथियार को फेंकने के लिए बोलते हैं। लोकी दोनों को देखकर सरेंडर कर देता है। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन लोकी को शील्ड के बेस कैंप में लेकर जाते हैं जहाँ पर उनके सामने जोर से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर लोकी बोलता है कि बिजली कड़कना तुम्हारे लिए बुरा है। तभी यहाँ शिप पर थोर आ जाता है और वो वहाँ से लोकी को लेकर चला जाता है। आयरन मैन थोर और लोकी के पीछे जाता है जहाँ पर उनके पीछे कैप्टन अमेरिका भी जाता है। एजेंट नताशा बोलती है कि वो महागाथाओं के योद्धा है, उनमें देवीय शक्तियाँ हैं। जहाँ कैप्टन बोलता है कि शक्तियाँ उसमें भी हैं, देवी कम और राक्षसी ज़्यादा। और कैप्टन अमेरिका वहाँ से कूद जाता है। थोर लोकी को ले आता है और टेसरेट क्यूब के बारे में पूछता है। लोकी बोलता है उसके पास क्यूब नहीं है और बायफ्रोस्ट ब्रिज तो टूट चुका था, लगता है तुम्हें यहाँ भेजने के लिए ओडिन ने डार्क पावर का यूज़ किया है। थोर लोकी को वापस ले जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर आयरन मैन आता है और थोर पर हमला करता है और यहाँ पर शुरू होती है थोर और आयरन मैन की लड़ाई, जिसमें आयरन मैन थोर को मारता है और थोर अपने हथौड़े से आयरन मैन के आर्मर को तोड़ देता है। थोर आयरन मैन पर एक बिजली का झटका देता है जिससे आयरन मैन का सूट की एनर्जी 400% बढ़ जाती है और आयरन मैन फिर से लड़ता है। दोनों को रोकने के लिए वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और थोर को रोकने की बोलता है, लेकिन थोर अपने हथौड़े से कैप्टन के शील्ड पर मारता है जिससे वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। इसके साथ थोर कैप्टन की बात को मान जाता है और उनके साथ शील्ड के हेलीकॉप्टर में आ जाता है जहाँ लोकी को लेकर जाते हैं। लोकी ब्रूस बैनर को देखता है और लोकी को एक बॉक्स में डाल देते हैं जहाँ अगर लोकी कोई गलती करता है तो उसको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया जाएगा। लोकी सबसे बात करता है और बोलता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए इतने अजीब और गरीब लोगों को बुलाया है जो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं टेसरेट क्यूब से निकली एनर्जी से अर्थ को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पर राज करूंगा। कैप्टन थोर को पूछता है कि लोकी क्या चाहता है। तब थोर बताता है कि उसके पास चितोरे नाम की एक आर्मी है जिसके जरिए वो राज करना चाहता है। वो टेसरेट क्यूब को लेकर उनको दे देगा, उसकी जगह उसको अर्थ मिल जाएगी। ब्रूस बैनर बोलता है कि लोकी हमारा ध्यान भटका रहा है, आखिर उसने खुद को सरेंडर क्यों किया है। यहाँ टोनी स्टार्क भी आता है और टेसरेट क्यूब के बारे में बात करता है कि लोकी ने इरिडियम मेटल को चुरा लिया है, उसकी मदद से वो दूसरी दुनिया के पोर्टल को ज़्यादा देर तक खोल सकता है। टोनी बात करते करते शील्ड के सिस्टम में एक डिवाइस लगा देता है। निक फ्यूरी आकर ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क को टेसरेट क्यूब ढूंढने के लिए बोलता है। ब्रूस बैनर लोकी की जादुई छड़ी के बारे में रिसर्च करता है और टेसरेट क्यूब को ढूंढता है जहाँ उसके साथ टोनी स्टार्क भी रहता है। कैप्टन अमेरिका वहाँ आता है जहाँ टोनी कैप्टन को बता देता है कि निक फ्यूरी हमसे कुछ छुपा रहा है, वो एक जासूस है, लेकिन अब जार्विस के जरिए शील्ड के सारे काले कारनामे को मैं पता लगा लूंगा। अब कैप्टन भी खुद शील्ड के बारे में जानकारी ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक को डेसरेट क्यूब को पावर देने के लिए वो इरिडियम मेटल मिल जाता है। शील्ड हेलीकॉप्टर में थोर के पास निक फ्यूरी आता है और लोकी के बारे में पूछता है कि उसका मकसद क्या है। वो जानबूझकर हेलीकॉप्टर में आया है। थोर बोलता है उसको खुद को कुछ नहीं पता है क्योंकि लोकी मुझसे अपना बदला लेना चाहता है। और अब लोकी से इंक्वायरी करने के लिए निक फ्यूरी एजेंट नताशा को भेजता है जहाँ वो एजेंट बार्टन के बारे में बात करती है और बोलती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम उसके साथ क्या करोगे। तो लोकी बताता है मैं उसको तुम्हारे सामने तड़पा कर मार दूंगा। ये बात सुनकर नताशा को दुख होता है।
तब लोकी गुस्से में बोलता है कि वो सबको खत्म करने के लिए वो हरे दानवों का यूज करेगा। ये सुनकर नताशा को पता चल जाता है कि लोकी ब्रूस बैनर को गुस्सा दिलाकर उसे हल्क बनाना चाहता है, जिससे वो सबको नुकसान पहुंचा दे। ये एजेंट नताशा की चाल रहती है। यहाँ उसे अब लोकी के हेलीकेयर में आने का मकसद पता लग जाता है। सीन के साथ अब निक फ्यूरी को दिखाते हैं, जिसको पता लग जाता है कि टोनी स्टार्क ने उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ की है, और निक फ्यूरी टोनी से बात करता है। साथ में कैप्टन भी अपनी छानबीन से टेसरेट से बने हुए वो हथियार को ढूंढ लेता है और उसके बारे में निक फ्यूरी से बात करता है, जहाँ निक फ्यूरी टेसरेट की एनर्जी से हाइड्रा जैसे हथियार बनाना चाहता है। ब्रूस बैनर इसके बारे में निक फ्यूरी से पूछता है कि वो ऐसे हथियार क्यों बना रहा है। तब निक फ्यूरी बताता है कि ये सब थोर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से एक शहर तबाह हो गया था। यूनिवर्स में कई खतरे हैं जिनसे बचने के लिए हमने ये हथियार बनाए हैं। और देखते ही देखते यहाँ सबके बीच में बहस चढ़ जाती है और सब अपनी अपनी बात करते हैं। कैप्टन टोनी स्टार्क को बोलता है कि तुम एक घमंडी हो जो खुद के लिए लड़ते हो, तुम्हें तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता है। टोनी भी कैप्टन को एक लैब में किया हुआ एक्सपेरिमेंट बताते हैं। ये सब देखकर ब्रूस बैनर को गुस्सा आने लगता है और वो लोकी की जादुई छड़ी को उठा लेता है, जिससे सब डर जाते हैं। सीन के साथ यहाँ बार्टन को दिखाते हैं, जो हेलीकॉप्टर पे आ जाता है और अपने ट्रिक की एरो से उसके इंजन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। नताशा के साथ ब्रूस बैनर रहता है, जो धीरे धीरे अब हल्क में बदलने लगता है, और ब्रूस बैनर पूरी तरह से हल्क में बदल जाता है, जहाँ वो अब नताशा के ऊपर हमला करता है। टोनी स्टार्क अपने आर्मर को पहन लेता है और कैप्टन के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर में हुए ब्लास्ट को हिस्से को ठीक करता है। नताशा हल्क से बचकर भागती है। तब नताशा को बचाने के लिए यहाँ पर थोर आ जाता है। थोर बैनर को बोलता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन हल्क थोर को मारता है और यहाँ अब थोर अपने हथौड़े के साथ हल्क से लड़ता है। जहाँ एक ऐसा टाइम भी आता है जब हल्क थोर का हथौड़ा म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाकर भी उसको नहीं उठा पाता है। एजेंट बार्टन अपने ट्रिकी एरो से शील्ड के सिस्टम को डाउन कर देता है, जिससे पूरा हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। निक फ्यूरी एजेंट नताशा को बार्टन को रोकने के लिए भेजता है, साथ में हल्क के ऊपर एक प्लेन से हमला करवाता है। हल्क उस प्लेन को पूरी तरह से तोड़ देता है और उस पर से गिर जाता है। नताशा बार्टन से फाइट करती है और बार्टन के ऊपर से लोकी के किए हुए जादू को खत्म कर देती है। बार्टन के शील्ड के सिस्टम को डाउन करने की वजह से लोकी उस कंटेनर से बाहर आ जाता है और थोर उस कंटेनर में चला जाता है। लोकी को रोकने वहां पर एजेंट कोल्सन आता है, जिसके पास डिस्ट्रॉयर की एनर्जी वाला हथियार होता है। तब लोकी अपने जादू से एजेंट कोल्सन को मार देता है और थोर के उस कंटेनर को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। थोर हवा में उस कंटेनर से बाहर निकल जाता है और नीचे आकर गिरता है। यहाँ कैप्टन और आयरन मैन दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर को ठीक कर देते हैं, जहाँ आयरन मैन हेलीकॉप्टर के इंजन को चालू कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का सिस्टम चालू हो जाता है। एजेंट कोल्सन लोकी को बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तब लोकी बोलता है, मैंने मुझे रोकने के लिए जो टीम बनाई थी उन सबको अलग अलग कर दिया है, मैं यहाँ पर राज करूँगा। तब एजेंट कोल्सन लोकी पर वो गन को शूट कर देता है, जिससे लोकी वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है और लोकी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ निक फ्यूरी के सामने एजेंट कोल्सन मर जाता है। एजेंट कोल्सन के जाने का कैप्टन और टोनी को दुख होता है, जहाँ निक फ्यूरी आकर बताता है कि वो तुम सबको साथ देखना चाहता था। यहाँ हेलीकॉप्टर पर एजेंट बार्टन के पास नताशा होती है, जहाँ अभी भी बार्टन पर लोकी का जादू होता है। नताशा बार्टन को ठीक कर देती है। कैप्टन और टोनी एजेंट कोल्सन के बारे में बात करते हैं। टोनी बोलता है कि हम एजेंट कोल्सन का बदला लोकी से जरूर लेंगे। यहाँ टोनी को पता लग जाता है कि लोकी उसके स्टार्क टावर पर टेसरेट क्यूब के साथ है, जहाँ वो क्यूब को एनर्जी दे रहा है। अब टोनी अपना सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है और साथ में कैप्टन, एजेंट नताशा और बार्टन के साथ स्टार्क टावर पर जाते हैं। सीन में थोर और हल्क को भी दिखाते हैं, जो अभी भी सही होते हैं, और हल्क अब बैनर बन जाता है। टोनी स्टार्क टावर पर आकर डॉक्टर सेल्विक को टेसरेट क्यूब को बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन टेसरेट क्यूब अब अपने आप चलने लगता है, जिसको डॉक्टर सेल्विक भी नहीं रोक पाता है। टोनी अपनी बिल्डिंग में लोकी से बात करता है और वहां से अपना न्यू आर्मर को निकाल लेता है। सीन के साथ साथ अब टेसरेट क्यूब से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जहां से चितोरी आर्मी आने लगती है, जहां टोनी अपने अपग्रेड सूट से उनको रोकता है। आयरन मैन पूरी आर्मी को नहीं रोक पाता है। तब चितोरी आर्मी आम लोगों को मारने लगती है। लोकी के पास में थोर आता है और उसको ऐसा करने को मना करता है। लोकी बोलता है, अब बस जंग ही होगी। यहाँ थोर और लोकी की फाइट होती है। कैप्टन भी वहाँ पर एजेंट बार्टन और नताशा के साथ आ जाता है और चितोरी आर्मी से लड़ते हैं। तब लोकी उनके प्लेन को क्रैश कर देता है। यहाँ टेसरेट क्यूब से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलकर बड़ा हो जाता है, जहाँ से अब बड़े बड़े क्रिएचर आने लगते हैं। कैप्टन नताशा और बार्टन के साथ मिलकर आम लोगों की मदद करते हैं और चितोरी आर्मी से लड़ते हैं। यहाँ अब थोर और ब्रूस बैनर भी आ जाते हैं, जिनके पास आयरन मैन उस बड़े क्रिएचर को लेके आता है। ब्रूस बैनर तब हल्क बनकर उस क्रिएचर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ इसी के साथ दिखाई जाती है 6 सुपर हीरो की टीम, जिसे एवेंजर बोलते हैं।
कैप्टन सबको अपना काम बताता है, जहां सब अवेंजर अब चित्तोरी आर्मी से लड़ते हैं। हल्क चित्तोरी आर्मी को बुरी तरह से मारता है। थोर यहां अपने थंडर पावर से पोर्टल को आने वाले बड़े बड़े क्रिएचर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ शील्ड की काउंसिल निक फ्यूरी से बात करती है और न्यूयॉर्क के उस इलाके को न्यूक्लियर मिसाइल से खत्म करने के लिए बोलता है। निक फ्यूरी ऐसा करने को मना करता है, लेकिन फिर भी काउंसिल एक न्यूक्लियर मिसाइल को उस जगह पर छोड़ने का बोल देती है। आयरन मैन एक बड़े से क्रिएचर के अंदर घुस जाता है और उसको तबाह कर देता है। इससे आयरन मैन की पावर डाउन हो जाती है और चित्तोरी आर्मी उस पर हमला करने लगती है। हल्क लोकी के पास जाता है, जहां लोकी एक बार फिर से बोलता है कि वो महाशक्तिशाली है। तब हल्क लोकी को पकड़कर बुरी तरह से मारता है। एजेंट बार्टन के ऊपर चित्तोरी आर्मी आती है, जहां बार्टन उस जगह से कूदकर बच जाता है। इसी तरह हल्क, थोर और कैप्टन पर भी चित्तोरी आर्मी पूरी तरह से हमला कर देती है, जो खत्म ही नहीं होती है। एजेंट नताशा पोर्टल को बंद करने के लिए डॉक्टर सेल्विक के पास में आ जाती है, जहां सेल्विक से भी लोकी का जादू खत्म हो जाता है। सेल्विक बताता है कि उसको रोका जा सकता है, लोकी की जादुई छड़ी से इसको रोक सकते हैं। नताशा उस जादुई छड़ी से टेसरेट को खत्म करने लगती है। तब निक फ्यूरी बताता है कि उनकी तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है, जिसको वहां पर आयरन मैन पकड़ लेता है और उसको उस पोर्टल के अंदर लेकर जाता है। आयरन मैन को लगता है कि वो शायद बच नहीं पाएगा, इसलिए वो पेपर पोर्ट्स को कॉल लगाता है, लेकिन वो उठा नहीं पाती है। आयरन मैन उस मिसाइल को पोर्टल की दूसरी तरफ पहुंचा देता है और चित्तोरी आर्मी के मेन स्पेसशिप को मिसाइल से ब्लास्ट कर देता है। आयरन मैन इसके बाद वहां से गिरने लगता है और नताशा उस पोर्टल को बंद करती है। आयरन मैन पोर्टल के बंद होने से पहले पोर्टल के बाहर आ जाता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। आयरन मैन को यहां पर हल्क आकर पकड़ लेता है और उसको नीचे ले आता है। कैप्टन को लगता है कि अब टोनी नहीं रहा। तब हल्क जोर से चिल्लाता है, जिससे आयरन मैन वहां पर उड़ जाता है। यहां से अब सब एवेंजर लोकी के पास पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। आम लोग यहां पर एवेंजर का शुक्रिया करते हैं। यहां थोर लोकी और टेसरेट क्यूब के साथ वहां से अपने एसगार्ड में टेसरेट की मदद से चला जाता है और अब सब एवेंजर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी बोलता है कि वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमको उनकी जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में द अदर और थेनोस की बात करते हुए दिखाते हैं, जहां द अदर बोलता है कि लोकी ने जैसा बताया था कि इंसान कमजोर है, पर ऐसा नहीं है। और यहां पर थेनोस को पहली बार दिखाया जाता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर जल्दी MCU के आगे एक पार्ट भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।